Thank you so much each and everyone for your valuable support. Now support value start from 29 rupees only. पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए आउटलाइन आना बहुत जरूरी है. सिंपल आउटलाइन कैसे बना सकते हैं, एक सिंपल ज्योमेट्री से. तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि एक सीधी लाइन मैंने ली है, जिससे कि आपको पता चले कि पोर्ट्रेट किस मोड में है. सेम हमें वही चीज़ करना है अपने पेपर पे. पेपर पे फिर से हम लोगों ने उसको एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, और हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद हमें क्या होगा कि एक मेजरमेंट लेना पड़ेगा. जो भी साइज़ का आपका आई है, जितना गैप है, वो सब गैप जो है वो सेम हमें उतारना है. कहाँ पे? अपने बुक में, जहाँ पे हम ड्राइंग करने वाले हैं. तो ये जो एक सिंपल मैंने आपको मेथड बताया, जिससे कि आप कोई भी एक पोर्ट्रेट को आप आउटलाइन बना सकते हो कम से कम टाइम में, और बहुत ज़्यादा आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है. बिना ग्राफ के एक आप फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हो यहाँ पे, कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक सिंपल ज्योमेट्री, जो कि एक प्लस का साइन है, जिससे आपको पता चलता है कि किस तरीके का जो हमारा जो पोर्ट्रेट है, रेफरेंस है, वो किस स्टेज पे है, किस एंगल पे है. वो एंगल सिंपल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया. ड्रॉ करने के बाद हमें अब करना चाहिए कि हमें मेज़रमेंट मिल गया. मेज़रमेंट मिलना ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है. अब वो हमारा जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है, वो हमने पार कर लिया. और यहाँ पे अब आप कितना डिटेल दे सकते हो, तो आप जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप मोबाइल पे भी बना सकते हो. अगर आपने मोबाइल का साइज़ होता है छोटा होता है, तो आप डबल साइज़ का लेके आप बना सकते हो, जो कि मैंने कई सारे ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ. अगर आप देखना चाहते हैं उसको, तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा. तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि मैंने सेम साइज़ का ये आईपैड पे मैंने लिया यहाँ पे. और अगर आप चाहते हैं तो अगर आपके पास कोई टैबलेट नहीं है, आईपैड नहीं है, तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि सेम साइज़ का आप प्रिंटआउट ले लीजिए, A4 साइज़ का ले सकते हैं, और वहाँ पे आप बनाना स्टार्ट कीजिए. अगर आप चाहते हैं तो एक सिंपल एक मार्कर से भी आप रेफरेंस में ड्रॉ करके आप स्किल का हेल्प ले सकते हैं, और उसके थ्रू आप बना सकते हैं अपने ड्राइंग पेपर पे. तो जो मैं अभी थोड़े बहुत जो आउटलाइन है ना, वो कर रहा हूँ मैं, और ये जो है अभी फिक्स नहीं है. जब आप उसको फाइनल करने जाइएगा, क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ अभी रफ वर्क कर रहा हूँ, और रफ वर्क जैसे जैसे डेवलप होगा उस तरीके से हम लोग उसको फाइनल वर्क करेंगे. तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल मेथड से आपको मैंने बता दिया कि अब आपको फॉलो करना है वो लाइन. आपके लिए भी जो प्लस का जो साइन है, वो एक रेफरेंस लाइन है कि जो भी हम आई बना रहे हैं, आई बॉल बना रहे हैं, वो उससे कितना डिस्टेंस पे है, इसके ऊपर है, वो चीज़ों को आपको देखना है. अब क्या होता है ना कि एक ऑब्जर्वेशन भी चीज़ें होती हैं. आपको धीरे धीरे ये जो मेथड है ये बनाने से क्या होगा ना कि आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा. इससे पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना डिस्टेंस होता है. अगर ये फेस का हमारा जो एंगल है वो फ्रंट है, या फिर साइड है, या फिर 3/4 है, जैसे यहाँ पे अभी 3/4 है, तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें पता चलेगा कि जो राइट आई है उसका साइज़ बड़ा है, और लेफ्ट आई का थोड़ा छोटा है, क्योंकि पर्सपेक्टिव में. अब नोज़ का भी हम लोगों ने सेम वही मेथड से उसको मेज़रमेंट लिया. मेज़रमेंट कभी कभी आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने स्केल से नहीं लिया है, हम लोगों ने लिया है पेंसिल से. तो अब ये जो रफ आउटलाइन है, उसको बाद में भी हम लोग मेज़र करके वापस से हम लोग थोड़ा चेक कर सकते हैं. तो सेम मेथड मैंने यहाँ पे कर लिया. अभी जितने भी आप स्टेज पे हो, उस स्टेज पे आप थोड़े थोड़े मेज़रमेंट लेके कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि जितना आप मेज़रमेंट लीजिएगा वो आपका और ज़्यादा परफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. अगर आप फ्री हैंड बनाते हो, 70-80% बहुत सही स्कोर है अगर आपने अचीव कर लिया आउटलाइन स्टेज पे. धीरे धीरे जब भी हम फाइनल की तरफ जाते हैं, शेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो बहुत कुछ चेंजेस होते हैं, क्योंकि आउटलाइन का मेथड ये है ना कि जब भी आपने एक रफ आउटलाइन, एक क्विक आउटलाइन कंप्लीट कर लिया ना, तो आपको ना छोड़ देना है, कुछ 10 मिनट का रेस्ट करना है. आप कहीं से भी जाइए, कुछ भी करके आइए, या YouTube पे देख लीजिए, या कहीं पे आप रिफ्रेशमेंट लेके आइए, और 10 से 15 मिनट के बाद जब आप आते हैं, तो उसमें ना आपको करेक्शंस दिखते हैं. आपको पता चलता है कि यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस में कहाँ कुछ कमी रह गई है. तो वो कमी जो है हम लोग उस स्टेज पे पूरा कर लेते हैं. तो इसके लिए आपको जाने के लिए पहले उसको कंप्लीट करना पड़ता है, बीट करना पड़ता है. और मैंने कई लोगों को देखा ना कि अगर वो ग्राफ से भी बनाते हैं ना, तो भी मिस्टेक्स हो जाते हैं. क्यों होता है मिस्टेक्स? मिस्टेक्स इसलिए होते हैं कि आप जो रेफरेंस जो है उसको आप छोड़ देते हो, और आप डायरेक्ट आपको लगता है कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ या सही जा रही हूँ मैं, तो डायरेक्ट आप उसको रेफरेंस लाइन को फॉलो नहीं करते.
जब आप रेफरेंस लाइन से भटक जाओगे तो आपका जो स्केच है वो आपसे भटक जाएगा, यानी कि वो जो परफेक्शन है वो कहीं ना कहीं से कम हो जाएगा। तो वो चीज़ों को आपको पकड़ के रखना है, जैसे कि ये जो यहाँ पे मेरे लिए रेफरेंस लाइन तो दो ही हैं, एक जो वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आपको मेज़र करते रहना पड़ेगा कि हाँ जो भी मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं, तो वो लाइन से रेफरेंस में जो हमारा जो रेफरेंस इमेज है उसमें कितना डिस्टेंस है, अगर मैंने लिया है तो कितना डिस्टेंस लिया है, जैसे ये आप देख रहे हो चेक का पार्ट, तो वो पार्ट को ना आपको रेगुलर चेक करता रहना पड़ेगा। आपको अगर लगता है कि ये कम या ज़्यादा, कभी कभी क्या होता है ना कि हम ऑब्जर्व भी करते हैं ना तो हमें लगता है कि हाँ मैंने ड्रॉ तो कर लिया लेकिन वो ज़्यादा दिख रहा है, तो कभी कभी सही रहता है, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी शेडिंग नहीं हुई है और आप जब रेफरेंस लेते हो जो कि आपको एक रियल पिक है तो वहाँ पे ना शेडिंग ऑलरेडी है, तो जो अकॉर्डिंग टू लाइट, तो हमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए कन्फ्यूजन को दूर कर लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप गलत बढ़ने से अच्छा है ना कि आप वहीं पे रुक जाइए और उसको रीचेक कीजिए, रीचेक करके आप उसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है चिन पार्ट और ये जो फोरहेड पार्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग, क्योंकि वहाँ पे उनको लगता है कि हमने तो आई का, नोज़ का, लिप्स का स्टेज जो है वो क्रॉस कर लिया, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो वो लोग रफली कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं बिना रेफरेंस के देखे हुए, लेकिन हमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो चिन का पार्ट और फोरहेड का पार्ट, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ मैं सबका कि वो स्टेज पे वो लोग कहाँ तक गलत किया है या फिर सही किया है। तो कुछ ये जो मेथड आपको करने के बाद ना आपको फिर कभी भी, मुझे लगता है कि अगर आप 5-6 अगर आउटलाइन भी अगर आप लोग कर लेते हो, पोर्ट्रेट बना लेते हो, तो हमेशा आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन जो है ना वो बढ़ जाती है आपको, क्योंकि रेगुलर देखते हो ना कि वो लाइन से आपने कहाँ भेजा है और कितना डिस्टेंस आपने लिया है, तो देख के भी लगता है कि हाँ वो मैंने परफेक्ट बनाया है। तो ये आउटलाइन का ट्यूटोरियल है, बहुत जल्दी ही शेडिंग का भी ट्यूटोरियल लेके आऊँगा मैं, और ये बनाने वाला हूँ मैं ग्रेफाइट पेंसिल से, क्योंकि लेयर पे आपको बनाने वाला हूँ, और यहाँ पे अभी आउटलाइन जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और आउटलाइन कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसको थोड़ा करने वाले हैं डार्क लाइन, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जितना भी रेफरेंस लाइन हम लोगों ने लिया वो हम लोगों ने इरेज कर लिया। इरेज करने के बाद मैंने यूज़ किया है मैकेनिकल पेंसिल, आप भी कोई HB पेंसिल या फिर आप 2B पेंसिल का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो वेल शार्पन होना चाहिए, और कुछ हल्के फुल्के मैं डिटेल करूँगा, जैसे कि लाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेडो कैसे आ रही है, डिटेल कैसे हैं, तो वो हल्के फुल्के जो डिटेल्स हैं ना वो आप डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हल्के फुल्के मैंने किए, और क्योंकि एक जब भी हम आउटलाइन भी बनाते हैं ना तो आउटलाइन भी थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे हल्के से मैंने सोचा कि शेड कर देता हूँ। और ये शेड कर देने से बेनिफिट क्या होगा ना, जब मैं जब शेडिंग करूँगा ना तो ये हेल्प करेगा, और इसको अगर आप टिश्यू पेपर से के यूज़ से अगर आप ब्लेंड करते हो तो एक अच्छा सा प्राइमरी लेयर आपको मिल जाएगा, जो स्किन का जो टोन होता है ना वो आपको मिल जाएगा। ये बताने का मेरा मकसद यही है कि देख रहे हो कि जब रेफरेंस में आप देख रहे हो ना वहाँ पे कितना ज़्यादा डार्कनेस है, और वो जो हम शेडिंग का पार्ट हम लेके आएंगे ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेफाइट पेंसिल से कैसे अचीव करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना चारकोल पेंसिल में अचीव करना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसकी डार्कनेस बहुत ज़्यादा होती है, और वो सबसे बड़ी बात है कि वो मैट फिनिश होता है, और यहाँ पे क्या है ना ये बहुत शाइनी होता है, तो कभी कभी लाइट के कारण आपको नहीं लगता है कि आप उस लेवल तक या फिर उस डार्कनेस के लेवल तक पहुँच पाए हैं या नहीं पहुँच पाए, तो ग्रेफाइट पेंसिल में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वो डिफ़िकल्टी पार्ट जो है वो मैं आप लोगों के लिए इजी करूँगा, और नेक्स्ट जो इसका ट्यूटोरियल आएगा जिसमें मैं आपको शेडिंग बताऊँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेडिंग की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से वो डार्कनेस लेवल जो है ना वो आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है ना कि ग्रे स्केल है, ग्रे स्केल में ना आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, एक ब्राइट और एक डार्क, उन दोनों के बीच का जो होता है ना सारा गेम वही होता है कि कितना कहाँ पे आपको डार्कनेस कम रखना है, कहाँ पे ज़्यादा रखना है, क्योंकि चेहरे का जो फीचर्स होते हैं ना, चेहरे के फीचर्स उस पे ही डिपेंड करते हैं कि कहाँ पे उठा हुआ है, कहाँ पे गहराई है, डेप्थ है, डेप्थ मतलब डार्कनेस, और ऊपर उठा हुआ यानी कि वो ब्राइटनेस, क्योंकि लाइट हिट वहाँ पे कर रही है, तो ये सब जो है वो सब आपको पता चलने वाला है। इसके अलावा अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं और बहुत बेसिक से सीखना चाहते तो आप सीख सकते हैं। तो आज के लिए हमारा ट्यूटोरियल यही है, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।